नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन न्यूज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी परिस्थिति, उम्मीदवारों और स्थितियों को लेकर, समीकरणों में वर्तमान हालातों को लेकर बड़ी चर्चा की। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। बैठक में निर्धारित एबीसीडी कैटेगरी की सीटों पर चर्चा हुई। हालांकि पैनल पर बात प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और चुनाव प्रभारी के साथ ही हुई। वहीं माना जा रहा है कि सबसे पहले पार्टी लगातार 3 चुनावों में हारी हुई डी वर्ग की सीटों के उम्मीदवारों की सूची तय कर सकती है। पार्टी का मानना है कि इससे कमजोर सीट पर प्रत्याशी को पूरे क्षेत्र में चुनाव प्रचार का अधिक मौका मिलेगा। पार्टी ने राजस्थान की 200 सीटों को 4 वर्ग में बांटा है। प्रदेश यूनिट और शीर्ष नेतृत्व के बीच फिलहाल ए और डी वर्ग की सीटों के नाम पर चर्चा हुई। 2008 से लगातार 3 बार जिन सीटों पर पार्टी जीती है उन्हें एक वर्ग में रखा गया। वहीं लगातार 3 बार जिन सीटों पर हार हुई है वह डी वर्ग में है। बी और सी वर्ग में वह सीटें हैं जिन पर कभी हार तो कभी जीत होती रहती है। सूत्रों ने बताया कि ए वर्ग की कुल 29 मजबूत सीटों पर अधिकतर उम्मीदवार रिपीट होंगे। हालांकि डी वर्ग की 19 सीटों पर नए चेहरों को वरीयता मिलेगी। राजस्थान में कभी हार तो कभी जीत वाली बी और सी वर्ग की सीटों पर उम्मीदवार तय करना अभी आसान नहीं है, लेकिन लगातार यहां पर देख सकते हैं कि बड़े नेताओं को झटका लग सकता है, जिसमें कई बड़े नाम हैं, कई केंद्रीय मंत्री हैं और कई पूर्व मंत्री हैं जिनको झटका यहां पर राजस्थान में लग सकता है, जिनकी उम्मीद बीजेपी से बंधी हुई थी। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहें एसपीएन9 न्यूज़। धन्यवाद।